हमने बेसिकली ये चीज ये देखनी है कि ये रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन यस, ये बनेगा आपका एज इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन की कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाले स्टूडेंट कौन से हैं आपके? जो साइकोलॉजी में नहीं है लेकिन हिस्ट्री और मैथ्स पे सर, हम इंटरसेक्शन एच में से माइनस कर देंगे या सर इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला निकाल देंगे। ये कौन है? ये सर ऑल वाला, सब कोर्सेज, तो आप सब 22 में से सब कोर्सेज वालों को निकाल दें तो ये पोर्शन बचेगा आपका। यस सर, ठीक है, ये बचता है 22 माइनस 10 और उसको डिवाइड करते हैं 100 से, प्रोबेबिलिटीज की निकल आएगी। ठीक है सर, 3/8 किसको? हस्बैंड विल वोट गिवन वाइफ विल नॉट वोट, ये हमने निकाला। Probability of H intersection W is equal to probability of H intersection W complement P W complement. Yes sir, yes sir. ठीक है, तो ये जो है ना आप इसको Venn diagram बनाने से, हाँ Venn diagram बताते हैं, तो मुझे बताएं क्या होगी इसकी वैल्यू, मुझे सोचने दो। Wife will vote on the bond referendum. उसमें से माइनस कर दो, ये सारा एक डब्ल्यू के अलावा दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो ये येलो इंटरसेक्शन बनता है। ये किसके इक्वल है? एच माइनस इंटरसेक्शन दोनों का सर, एल ऑफ एच में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों के इंटरसेक्शन को इस पोर्शन को। यस सर, हमारे पास ठीक है, याद आ गया फार्मूला कौन सा कह रहे थे। ठीक है ठीक है, वो उसको ओपन करने का वही माइनस करके ही होता है। सही है, तो प्रोबेबिलिटी आप नंबर आप तादाद से नहीं कर सकते, नंबर आपको गिवन नहीं, प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे इसके लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको आप डिवाइड करते हैं सैंपल स्पेस एन ऑफ एच से, ये बन जाएगी एन पी ऑफ एच और ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू, उस बेसिस पे हमने ये निकाला। यहाँ पे ये पी ऑफ एच इज 0.21 और एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू 0.15 डिवाइडेड। जी सर, समझ आ गई सर, बाकी सब लोगों को समझ में आई है नहीं? यस सर, सब को आई है। ठीक है, पॉइंट सॉरी पॉइंट 0.7 गिवन दैट द डॉक्टर मेक्स एन इनकरेक्ट डायग्नोसिस द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फाइल्स अ लॉसूट इज 0.9। ठीक है, यानी कि आपने डॉक्टर ने गलत इलाज किया तो उसके बाद गलत इलाज कर लिया उसने, उसके बाद वो केस कर देगा उसने, उसकी चांसेस हैं 90% 0.9 प्रोबेबिलिटी। What is the probability that the doctor makes an incorrect diagnosis and the patient sues? अब ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट है,